इस वक्त जो मेरे हाथ में आप बोर्ड देख रहे हैं, ये माइक्रोवेव ओवन का कंट्रोल बोर्ड है। ये बिल्कुल डेड है। ज्यादातर फॉल्ट जो है इसका जो सप्लाई सेक्शन है इसमें आता है। सबसे पहले इसको हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। तो ये देखिए 1K शो कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर ठीक है। तो चलिए इसको सप्लाई दे देते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ भी वोल्टेज होंगे 3, 14। रेक्टिफायर के बाद ये कैपेसिटर है, तो डीसी होने के बाद में यहाँ पे वोल्टेज होंगे, कैपेसिटर पे 21 वोल्ट है। यही वोल्टेज जो है रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पे इसके जाएंगे आईसी के इनपुट पे 21 वोल्ट है। जो थर्ड पिन है यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने 0.4 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आईसी है 7805 ये फॉल्टी है। तो इसको हम रिमूव करेंगे और रिप्लेस करके देखेंगे। तो इसको ऐसे ही लगा देंगे, ये आईसी लग गया है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको, डिस्प्ले आ चुका है।